हे गाइस, दिस इज शिवा। तो गाइस, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम फिर से इंग्लिश में सवाल जवाब करना सीखेंगे। ये वीडियो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सीरीज की 11th वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं हर सेंटेंस को दो बार बोलूँगा और आपको बोलने के लिए 3 सेकेंड्स का टाइम दूंगा, ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो सके। तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। तो चलेगा, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो गाइस, पहला सेंटेंस है, क्या ये सब सच है? इज दिस ऑल ट्रू? इज दिस ऑल ट्रू? अगर ये सच है तो आप सिंपली कह सकते हो यस इट इज। अगर सच नहीं है तो आप कह सकते हो नो इट इजेंट। वो उसे कहाँ ले गया? वेयर डिड ही टेक हर? वेयर डिड ही टेक हर? वो उसे अस्पताल ले गया। ही टुक हर टू द हॉस्पिटल। ही टुक हर टू द हॉस्पिटल। वो उसे कौन से अस्पताल ले गया? विच हॉस्पिटल डिड ही टेक हर? विच हॉस्पिटल डिड ही टेक हर? वो उसे अपोलो अस्पताल ले गया। ही टुक हर टू द अपोलो हॉस्पिटल। ही टुक हर टू द अपोलो हॉस्पिटल। क्या तुम्हें ये पता था? डिड यू नो इट? डिड यू नो इट? अगर आपको पता था तो आप सिंपली कह सकते हो यस आई डिड। अगर नहीं पता था तो आप कह सकते हो नो आई डिडेंट। कल तुम कहाँ गए थे? वेयर डिड यू गो यस्टरडे? वेयर डिड यू गो यस्टरडे? मैं शॉपिंग गया था। आई वेंट शॉपिंग। आई वेंट शॉपिंग। इसे क्या कहते हैं? व्हाट्स इट कॉल्ड? व्हाट्स इट कॉल्ड? इसे अखरोट कहते हैं। इट्स कॉल्ड वॉलनट। इट्स कॉल्ड वॉलनट। क्या आप स्मोक करते हैं? यानी क्या आप सिगरेट पीते हैं? तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे डू यू स्मोक? डू यू स्मोक? अगर आप स्मोक करते हैं तो आप कह सकते हो यस आई डू। अगर नहीं करते हो तो आप कह सकते हो नो आई डोंट। किसकी बारी है? हूज टर्न इज इट? हूज टर्न इज इट? अब मेरी बारी है। Now it's my turn. Now it's my turn.
तुम्हें कब से पता है? हाउ लॉन्ग हैव यू नोन? हाउ लॉन्ग हैव यू नोन? मुझे हमेशा से पता था। आई ऑलवेज न्यू। आई ऑलवेज न्यू। आपने किसके साथ लंच किया? हु डिड यू हैव लंच विथ? हु डिड यू हैव लंच विथ? मैंने अपने दोस्त के साथ लंच किया। आई हैड लंच विथ माई फ्रेंड। आई हैड लंच विथ माई फ्रेंड। वो उससे कब से बात कर रहा है? हाउ लॉन्ग हैज ही बीन टॉकिंग टू हर? हाउ लॉन्ग हैज ही बीन टॉकिंग टू हर? वो उससे 2 घंटे से बात कर रहा है। He has been talking to her for 2 hours. He has been talking to her for 2 hours. तो ये थी गाइस आज की ये वीडियो। आई होप आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। अगर आप मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल को भी क्लिक करें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को कभी मिस ना कर सके। तो गाइस मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू गाइस, बाय बाय।